मेरा मुंह भगवान राम राजा सरकार के प्रथम गेट की तरफ है। मेरी अपील है, शराब छोड़ो, दूध पियो। और ये जो दुकान आता है यहाँ पर खोला गया, ये यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर एक जगह के लिए आवंटित था और ये यहाँ के अधिकारियों ने इसको यहाँ जगह दे दी ज्यादा राजस्व की वसूली के लिए। और ये रोड से भी 50 फीट की भी दूरी नहीं है रोड के मेन सेंटर से। इसकी सारे नियमों का यहाँ उल्लंघन हुआ। जनता ने विरोध किया, मीडिया ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने विरोध किया, बीजेपी ने विरोध किया और वो सबको डांट पड़ी। लेकिन जब मेरी जानकारी में ये बात आई तो उसके बाद सरकार ने मेरे कहने पे यहाँ नोटिस दिया, तो कोर्ट से स्टे लेके आ गए। इसमें मैं यहाँ विधि विभाग की भूल मानती हूँ। उनको कहना चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनको स्टे मिलने का अधिकार इसलिए प्राप्त हो गया क्योंकि नीति के अंतर्गत उनको ये दुकान आवंटित हो गई थी और फिर बातचीत में नेगोशिएशन में ये जगह उनको आवंटित हो गई। बात इस दुकान की नहीं है, मध्य प्रदेश में अभी 18,000 दुकानें हैं और 14,000 करोड़ की रेवेन्यू की वसूली है। मैंने जो 4 परामर्श दिए हैं 5 कि शिक्षण संस्थानों से 1 किलोमीटर की रेडियस की दूरी, धार्मिक सभी धार्मिक स्थानों से 0.5 किलोमीटर की रेडियस की दूरी, सभी मजदूरों की बस्तियों से 0.5 किलोमीटर की रेडियस की दूरी। पर आहाते तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए क्योंकि यातायात के नियमों का उल्लंघन है शराब पी के गाड़ी चलाना या सड़क के ऊपर चलना। और अदालतों और अस्पतालों से मेरी हुई है। अब मैंने तय किया है कि इतने से बात नहीं बनेगी। बात तो यह है कि हम लोगों को दूध पिलाएंगे कि शराब पिलाएंगे। हम भाजपा हैं, हम राम का नाम लेते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो हम जिस हिंदू राष्ट्र की या वो योगी वाले सनातन राष्ट्र की या वैदिक युग की हम किसी की भी बात करते हैं तो उसमें शराब पिलाई जाएगी कि दूध पिलाया जाएगा? दूध पिलाया जाना चाहिए। और अगर दूध पिलाया जाना चाहिए तो मधुशाला की जगह गौशाला होनी चाहिए। और कई जगह अब मधुशालाएं बंद हो जाएंगी, ये तो बंद हो ही जाएगी। और अगर ये बंद नहीं हुई तो मुझे ही कर देना है फिर बंद। मैं देखती हूँ ना कि नई टेंडर नीति में ये जगह आती है कि क्या होता है, तो इसलिए फिर तो मैं कर दूंगी। क्योंकि फिर तो बिना न माने जल्द ही जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोपता भय बिन हो ना प्रीत, फिर मैं राम की नीति पर ही चलूंगी। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आज आपको मैं एक फैसला सुनाई देती हूँ। मैं एक नारा दे रही हूँ, शराब नहीं दूध पियो। और उसकी लिए पहली गौ अदालत लगेगी केदारेश्वर महादेव पे मऊरानीपुर के पास गौ अदालत होगी। और उसमें गाय हिंदू समाज से मांग करेगी कि हम सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हम समाज की जिम्मेवारी है। करोड़ों की संख्या में गाय बेसहारा घूम रही है, सरकार कैसे संभाल पाएगी? उसको संभालने का काम समाज को करना है। गाय को संभालने का काम समाज को करना है और शराब को संभालने का काम सरकार को करना है। और दोनों बातों को मिला करके ही गौ अदालत में गाय ही फैसला सुनाएगी। मेरे बगल में एक गाय खड़ी होगी और उसके द्वारा एक फैसला सुनाया जाएगा, उसी के द्वारा प्रस्तुत करवाया जाएगा वो फैसला। ये हमसे भी 0.5 किलोमीटर की रेडियस की दूरी। मैंने इसमें एक भी बात गलत नहीं कही। और इसमें 14,000 करोड़ रेवेन्यू की हानि नहीं है, इसमें 1,000-1,500 करोड़ रेवेन्यू की हानि है। और इस वजह से कितने लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, कितनी महिलाओं का सम्मान संकट में पड़ रहा है। इसलिए ये दुकान अकेली नहीं है, ये 18,000 हैं ऐसी पूरे मध्य प्रदेश में जो पूरे प्रदेश के भविष्य को झोंक रही हैं और मध्य प्रदेश को शराब के नशे में बहा देंगी। और इसलिए मुझे शिवराज जी ने 2 अक्टूबर को कहा कि वो परिवर्तन करेंगे और पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे। तो 21 जनवरी को हमारी मुलाकात हुई तो उनने कहा कि 31 जनवरी को कैबिनेट में वो प्रस्ताव पारित करना ही पड़ेगा उनको नई नीति का, क्योंकि फिर टेंडर की प्रोसेस में 2 महीने लगते हैं और 1 अप्रैल से नई नीति लागू हो जाएगी। तो मुझे उन्होंने कहा दीदी हमें करना ही पड़ेगा, आप परामर्श दे दो। तो मैंने ये पूरे के पूरे 5 परामर्श उनको दे दिए। मैंने कहा इनका आप क्या करोगे? तो बोले कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ कि मैं इनको इग्नोर करूँ। तो मुझे यकीन है कि अभी 31 को नहीं हुई, फिर मुझे मालूम पड़ा 2 को हो रही है, फिर पता लगा 2 को भी नहीं है। कैबिनेट जब भी हो, मेरे परामर्श जो मैंने दिए हैं वो इतने जनहितैषी हैं कि वो परामर्श लेने चाहिए, उसमें पूरी जनता साथ है। जैसे मैं तो पूर्ण शराबबंदी की मांग करती हूँ, इच्छा रखती हूँ, लेकिन नहीं कर सकते हो इतनी हिम्मत तो कम से कम इतना तो नियंत्रण कर लो। इसमें 1,000-1,500 करोड़ के राजस्व की हानि होगी जो कहीं से भी वापस हो जाएगी। 2 लाख करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश की सरकार का,